एक फॉरेस्ट ऑफिसर साहब मेरे पास आए कि साहब मैं फला फला हूँ और मुझे आपको आश्चर्य होगा, श्री अमित शाह जी के निर्देश है कि आपका पूरा सहयोग हम पूरे समय में करें। चुनाव चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह उनका सबसे बड़ा आलोचक, लेकिन उसके माध्यम से समाचार दिए कि उनके यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए। पहाड़ों में से रास्ता काटा, हमारे सारे यात्रियों के भोजन की व्यवस्था की। आपको आश्चर्य होगा कि आज तक अमित शाह जी की और मेरी भेंट नहीं हुई है, लेकिन उनको धन्यवाद मैंने पहुंचाया, आभार व्यक्त किया। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सबसे बड़ा आलोचक हूं मैं। हाँ, विचारों का मतभेद है, लेकिन जहां भी मैं जाता था, दो चार आठ दिन के बाद कोई एक हमारे पास संदेश आता था कि साहब कोई आरएसएस के व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, बुलाइए। मैंने कहा भाई आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, मैं तो आपका सबसे बड़ा आलोचक हूं। उन्होंने कहा नहीं साहब, हमको निर्देश हुए हैं कि आपसे जाकर हम लोग चर्चा करें और चर्चा करने के बाद हम लोग आपसे मिलने आए। ठीक है, बड़े स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मजे की बात यह है कि भरूच जिले के गांव बड़ीबूत गांव, वहाँ हमारे मांझी समाज का की धर्मशाला थी और वो मांझी समाज के धर्मशाला में हॉल में जहाँ ठहराया गया, एक तरफ डॉक्टर हेडगेवार का चित्र लगा हुआ, दूसरी तरफ गुरु गोवर्धन का चित्र लगा हुआ और हमको उसी कमरे में ठहराया गया। और यही नहीं है, रात को 10:15 बज रहे थे और वर्षा हो रही थी और उस वर्षा के अंदर हमें एहसास कराने के लिए वहां सदा वत्सले मातृभूमि का